Exactly. फिर बर्फ हो रहा, फिर जी मेरा नाम शब्बीर अहमद बकरवाल है। मैं कौन नगीन कोरा कोकबस्ती में रहता हूँ। हमारे अपने ही गांव में एक दरसगाह है जहाँ मैं तालीम हासिल कर रहा था, और वहीं पे मुझे शौक पहले से भी था। और मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि आपको कुरान लिखना है, और उसने मुझे सपोर्ट किया, कापीज पेन वगैरह दी और मैंने लिखा। सर्दी की वजह से मैं घर के बाहर भी नहीं खास जाता था। किसी दिन मैं घर का काम करता था, किसी दिन मजदूरी भी करता था, और रात में मैंने ज़्यादातर कुरान लिखा। उनको 4 साल हो गए हैं जी। अब मेरी 5 बहनें हैं और 1 माँ है जी। मैं 10th में पढ़ रहा था, लेकिन अब स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि हमारे घर का अखराजात जो है, अगर मैं स्कूल जाऊँ तो घर को कोई नहीं चला सकता, इसलिए अब मुझे ही घर चलाना पड़ता है। इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया जी। जी 2 महीने में मैंने 20 दिसंबर को शुरू किया था और 20 फरवरी तक जी। मेरे को इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि मैं कुरान पाक लिख सकता था, लेकिन मुझे उस्तादों ने सपोर्ट किया, मैंने लिखा। मेरे पास कापीज़ नहीं थी, पेन नहीं थी, मुझे उस्तादों ने भी उन्हीं पे मैंने लिखा। और सर्दियों की वजह से मैं घर में ही रहता था, इसलिए मैंने कुरान पाक लिखा। मित्रों वैम पढ़ा या सही ये तो उसने क्या अन्न वाले जानने वाले ये उस काम दो कारण और ये और तो स्कूल उसने गसन तो अन्न उस तुम रखा चाय पावा तो ये बी पांच थी यमन बे अस सारे खुद वो मैं से दवा फलते लगन तो एमी मुझे बैम त्रो पढ़ाई नाज असल खुशी ऐसे गई दुनिया खुश बहुत खुशी गई मुझे लिखना रात है रात है सोच लाइट जाले तो बेस मास पावर थी वन तो लाइट जा सोई थी तो बस उसे मिस लाइट आसन भी है तो ये उस लिखा हाँ ना गैस पाइड ना उस फरियाद मैं फरियाद ची ये अगर ये बे गैस स्कूल स्कूल थी पाइड थी बे यार काम कौन थी कारी तर्ज गाती गैस ये गो गोड उस्तादन पद गोए मिस उस्तादन हूँ नाव क्या चु रियाज अहमद सबजार अहमद जो भी जितनी भी बात है वो इसकी मेहनत की बात है। अगर देखा जाए हमारे दरसगाह में और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन जो टैलेंट इसके अंदर मौजूद था वो हम किसी और बच्चे के अंदर डाल ही नहीं सकते। तो इसके अंदर जो था हमने उसको उभारा, और हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ किया वो इसी ने खुद किया। तो थोड़ी सी एक मुझे कहते हैं जरिया था, तो जो करना था उसी के करना। ये बताया बेशक हमें अव्वलन तरजीह जो है वो हमें देनी तालीम को देनी चाहिए अव्वलन। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ साथ वो एक हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए। अगर हाफिज़ कुरान ना हो तो भी उसने नाजरा किया हुआ होगा, तभी वो जाके कल वालिदैन के हकूक़ अच्छी तरह से अदा कर पाएगा। अगर वो IPS हो उसके साथ साथ वो एक दीनदार भी होना चाहिए, बस दीनदार होगा इंशाल्लाह ताला बुरे कामों की तरफ नहीं जाएगा। कितनी खुशी आपको तब हुई जब इसने जो कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह बयान करने से बाहर है, हम बयान करने से कासिर हैं कि हमें कितनी खुशी इस बात की हुई, बयान ही नहीं कर।